ओके, आप गूगल सर्च की हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको डिलीट करने के लिए मैं दो तरीका बताऊंगा, यानी आप दो तरीकों से डिलीट कर सकते हैं। पहला तरीका, यदि आपके पास बहुत कम हिस्ट्री हो, यानी एक दो करके ऐसे हो, तो आप आसानी से उसे डिलीट कर सकते हैं। यदि आपके पास हजारों लाखों हिस्ट्री हो, तो आप उसे कैसे डिलीट कर सकते हैं, ऐसे मैं आपको उस प्रकार डिलीट करने में आपको महीने या तीन चार महीने लग जाएंगे डिलीट करने में। तो दोस्तों, मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप एक क्लिक में आप गूगल क्रोम की सारी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से इस हिस्ट्री को डिलीट करके दिखा देता हूँ। जो पहला मेथड है, यानी यहाँ पर से आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है, जो भी आपका हिस्ट्री है इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, और यहाँ से आपको रिमूव योर हिस्ट्री, यहाँ पर आपको सजेशन मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हट चुका है, जैसे कि मैं फटाफट सभी को रिमूव करके दिखा देता हूँ। तो रिमूव करने के बाद ये हिस्ट्री सर्च से तो हट जाएगा, लेकिन जो मेन हिस्ट्री होता है, यानी जो हिस्ट्री का वेब पेज होता है, यहाँ पर यहाँ से नहीं हटता है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने सर्च किया है। तो दोस्तों, इसे कैसे हटाना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है, यानी अपने हिस्ट्री वाले पेज में आना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा। तो दोस्तों, आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से आप सभी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लाखों करोड़ों हिस्ट्री पड़ा हुआ है, यानी अपने फ़ोन को जब से आप स्टार्ट किए हैं, कुछ भी गूगल क्रोम पर सर्च कर रहे हैं, वो सारे हिस्ट्री यहाँ पर पड़े होते हैं, और गूगल में भी आप जो सर्च करते हैं वो भी हिस्ट्री यहाँ पर होता है। तो दोस्तों, इसे इसी प्रकार आप डिलीट कर सकते हैं क्लियर ब्राउजिंग डेटा की मदद से। तो सबसे पहले आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ ऊपर देख सकते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो दोस्तों, आपको बगल में यहाँ पर टिक होना चाहिए। तो दोस्तों, नहीं टिक होगा तो आपको टिक कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। एंड उसके बाद कुकीज एंड साइट डेटा होगा, तो इसको भी यहाँ से टिक कर देना है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद जो कैचेज इमेज एंड फाइल, इसको भी यहाँ से टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो आपका अननेसेसरी फाइल या फिर जो फालतू का डेटा भरा रहेगा आपके फ़ोन इसकी हिस्ट्री में, यानी गूगल क्रोम की हिस्ट्री में, वो सभी हिस्ट्री या फिर डेटा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर करना है टिक करने के बाद। यहाँ से बस आपको यहाँ पर एडवांस में जाना है, यदि एडवांस का भी आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा करना चाहते हैं, यानी हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड को यहाँ से अनटिक कर देना है। यानी जब भी आप कोई भी पासवर्ड अपने क्रोम ब्राउजर में सेव करके रखे हैं, तो आपको इसे अनटिक करना है, यानी इसको टिक नहीं करना है, नहीं तो आपका पासवर्ड भी वहाँ से डिलीट हो जाएगा, यानी क्रोम ब्राउजर में सेव रहेगा तो भी वहाँ से डिलीट हो जाएगा। बस आपको इसे अनटिक कर देना है, आपको यहाँ से क्लियर कर देना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। मुझे इसको भी डिलीट करना है, यानी जो आपका इम्पोर्टेंट होगा उसको यहाँ से अनटिक कर देना है। तो दोस्तों, यदि आपका इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसे भी आप हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ को हटा देता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, क्लियर करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं प्लीज़ वेट। तो आपको कुछ देर तक वेट करना है, और आपका सारा हिस्ट्री यानी ब्राउजिंग डेटा जो भी रहेगा क्लियर हो जाएगा, यानी साफ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा वेट करना है, एंड डिलीट होने के बाद यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, मेरे सभी हिस्ट्री यहाँ से डिलीट हो गया, यानी जो भी हिस्ट्री ब्राउजिंग डेटा था यहाँ से हट चुका है। हम यहाँ से बैक आकर फिर से हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं, और ऐसे दिखा देते हैं। दिखाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, हिस्ट्री के ऊपर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सभी हिस्ट्री यहाँ से हट चुका है, डिलीट हो चुका है। तो गाइज, आप इस प्रकार हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, यानी गूगल क्रोम की हिस्ट्री को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो गाइज, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।